दिखाई दे रही है। पंजाब पुलिस दस दिए कि जलंधर के SSP देहाती ने पिंड किंगला चोच छापेमारी की है। नशे के खिलाफ रेड के लिए 300 के करीब पुलिस मुलाजम तैनात किए गए हैं। पुलिस ने पिंड को पूरी तरह के सील कर दिया तो पिंड वासियों ने पुलिस के एक्शन की शलाघा भी की है, क्योंकि जिस हिसाब के नाल सूबे के अंदर नशे के वर्गियां जिहड़ियां भयानक या फिर इस कह सके एक भयानक चीज़ नूं लगातार नौजवानों निकल रही है, तो उसनूं ठल पाउण दे लई पंजाब पुलिस लगातार सतर्क है ते छापेमारियां कीती जा रही। इस तहत किंगला चोह दे पिंड विच जिहड़ा छापेमारी की गई पुलिस द्वारा 300 दे करीब पुलिस मुलाजम तैनात किए गए ने स्थानक पिंड दे विच ते पूरे पिंड नूं सील कर दिता गया ते पिंड वासियां ने पुलिस दे इक एक्शन की शलाघा भी की। सो छापेमारी की जा रही है, चैकिंग की जा रही है, क्योंकि जिस हिसाब के नाल सूबे के अंदर नशा वाधा हुआ नज़र आ रहा है तो उस तो बाद कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। ये पिंड दे विच जी मतलब साढ़े को रिश्ता करने नहीं तैयार हैगा भी इन्ना पिंड दे चिट्टा फिरदा हैगा ते जे कोई आउंदा भी हैगा ते कुछ कुछ करदे जदों कहिंदे ब्लैक दा पिंड उह साढ़े मुंडे भैजो ब्याहों कुड़ियां ब्याहों रह गईआं रेड दी बहुत ज़्यादा कीती है जी ते जाने के कोई असर नहीं होता है कोई जाने के उच्च तो उसे पैंट है का मेन मेन जेडे बंदे थे जेडे किलवा साहब में थे वो चुको जी पहले भाई बहुत बढ़िया गल है जी, बहुत खुशी गल है। दो पहले भी चल चुके हैं, एक दो दिन तीन दिन पहला भी उदो भी वैसे कोई भी नहीं बंदा हाथ आया। ये वैसे बहुत बड़ी हैगी कारगुजारी। सो इस दे नाल ही इस खबर ते होर वधेरे जानकारी दी सांझ पाउण दे लई साडे नाल राजीव साडे सहयोगी जलंधर तों फोन लाइन ते मौजूद ने। राजीव, की जानकारी है, नशे नूं ठल पाउण दे लई लगातार हुण पंजाब पुलिस सतर्क हुंदी नजर आ रही है? जब नवी सरकार बनी है तब भी पंजाब सरकार वालों बहुत ही ज्यादा नशे के खिलाफ वधिया कदम चुके जा रहे हैं। खासकर जलंधर की करिए तो जलंधर देहात के फिलौर इलाके रेड की गई सन ते हुण लगातार जी करतारपुर इलाके रेड की जा रही है। इसे कड़ी के अज ਧੋਪੁਰ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਦਮ ਹੈ, ਪਰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿਲਾਈ ਜਾਏ। ਜੀ ਕੋਈ ਰਾਜੀਵ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ? ਜੀ ਦੇਖੋ ਹਾਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ गुप्त रखी जा रही है ते सामने किसी नूं नहीं दस्या जा रहा कि फड़िया गया ते किस बंदे नूं रिटेन किया गया है या अंदर राउंड अप किया गया है ते ये सारी गलबात जिहड़ी करनगे SSP साहब बाद चो ही करनगे जदों रेड पूरी हो जाएगी। इस दे नाल ही जेकर पिंड वासियां दी रजीब गल कीती जाए तां उहनां ने काफी शलाघा कीते, जिस हिसाब दे नाल पिंड वासी स्टेटमेंट भी दे रहे सी कि साडे पिंड दे विच कोई रिश्ता नहीं करदा है, पिंड दे विच इन्ना क नशा वध विकदा हो नजर आ रहा। जी बिल्कुल, इदा गल करिए नशे की तो नशे नूं कहा जा रहा है कि काफी ज्यादा ठल पाने जिदा प्रयास पहले सरकार ने भी किए, लेकिन जेडे प्रयास है इदा के पिंडा दे जाके पता चलते हैं कि जेडे दावे सके जेडे पहले किए जा रहे थे कि ठोस हो। जी गल करिए असी फिलौर की जी रेड की गई उ भी काफी ज्यादा 300 घर नशे का समान मिलिया, 300 घर रेड की गई थी। इतने भी गल करिए इतने पिंड वासी जिदा दसते पे ने इतने भी काफी ज्यादा जी हूँ बरामदी होने। ठीक है राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया तुम जानकारी साझा करने के लिए।